दोस्तों आपके सामने जो सवाल है ये लाभ हानि का है, और इस तरह का सवाल बीपीएससी टीआरई में पूछने की संभावना बहुत अधिक बनती है। क्वेश्चन कहता है, एक डीलर 30,000 रुपया अंकित मूल्य यानी एमआरपी का कोई सामान 20% और 5% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर 1,200 रुपये खर्च करता है और उसे 30,000 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ध्यान रखेंगे कि जो वस्तु है उसका एमआरपी है 30,000, लेकिन उसको 30,000 मिला नहीं है, इसको दो बार डिस्काउंट मिला है। कितना कितना? 20 और 5। तो पहली बार जब आपको डिस्काउंट मिला होगा तो एमआरपी भाई 100% होता है, 20 छोड़ दिया यानी आपको 80% मांगा होगा। आप अड़ गए जिद पे कि नहीं भाई दाम और ज़्यादा बता रहे हो आप, और थोड़ा सा कम करो, तो फिर से 5% कम कर दिया, तो फिर से 5% यानी 100 में 5 चला गया, 95%। ये हुआ क्रमिक बट्टा में छूट। अब यहाँ से 2 और 2 4 खत्म हो गया, अब इसको गुना करना होगा। देखिए 8 + 24 95 गुने 8 + 24 0। तो कैसे गुना करना है, 24 × 5 = 120 हाथ में 12, और 24 × 9 दोस्तों कितना होता होगा, 24 × 9 दोस्तों होता होगा 200, और दोस्तों 24 × 9 कितना होता है 216, 216 और 12 कितना होगा 228, ये हो गया आपका 22,800। ठीक है, अब इस पे कहता है कि वो 1200 और खर्च करता है मरम्मत पे, तो 0 0 8 2 10 3 1 4 और ये 2, यानी 24,000 रुपया में उसने इस वस्तु को खरीदा, और सेल कितना में किया, 30,000 में। अब आपको साफ साफ प्रॉफिट दिख रहा होगा कितना का, तो प्रॉफिट दिख रहा है हमको, परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट जानना होगा, तो प्रॉफिट है 6,000, नीचे होगा क्रय मूल्य जो 24,000 है, क्योंकि मरम्मत का पैसा लगाने के बाद क्रय मूल्य निकलता, ध्यान रखना। अब यहां से कर देंगे हम लोग 100 से गुना, 3 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 4 बार में और 4 से काटेंगे 25 बार में, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है दोस्तों वो कितना है, 25%। ठीक है, कहता है 7 अंकों की संख्या 64X29Y6 जहां पर X बड़ा है Y से, वो दिया गया है, यदि 72 72 से विभाज्य है यानी डिविजिबल है, तो 2X - 3Y का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी सवाल आपको दिया जाए 72 से कटने वाला, तो आपके मन में चलना चाहिए भाई कि 8 और 9 से कटेगा, तो आपके माइंड में चलेगा कि 12 × 6 = 72 भी तो होता है, लेकिन 8 और 9 का नियम अगर जब हम लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन ये कटेगा। ठीक है, अब देखिए 8 का नियम कहता है कि अगर यदि, ध्यान देना, अगर यदि कोई सैकड़ा स्थान पर अगर 9 है, ठीक है, 8 का नियम कहता है अगर सैकड़ा स्थान पर 9 यानी विषम अंक है, तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़कर 8 से कटना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे 6 है, अगर हम यहां पे 1 रखते हैं तो 16 जो है उसमें 4 जोड़ने पे 20 बन जाएगा, वो तो कटेगा नहीं। अगर यदि हम 2 रखते हैं तो 26 बन जाएगा, 4 जोड़ने पर 30, 8 से कटता नहीं है। अगर हम 3 रखते हैं तो 36 बन जाएगा, और 36 में 4 जोड़ने पर 8 से कट जाता है, तो y का मान निकल के 1 आता दोस्तों क्या, 3। अब क्या करना है, अब चेक करना है 9 से, तभी हम x का मान निकल पाएंगे। तो 9 का नियम कहता है कि सबको जोड़ो और 9 बना दो, तो सबसे पहले आप जो भी 9 है उसको काट दीजिए पहले। ठीक है, अब देखो 6 × 4 = 10 = 12 और ये भी तो 3 और 6 = 9 हो गया, इसको भी काट दो। ठीक है, ये y का 3 और 6 जोड़ने पर 9 हो गया, उसको काट दो। अब कहता है 6 × 4 = 10 = 12, अब बताओ कि y के पास कितना रखें, y के पास कितना रखें कि वो 9 से कट जाए। तो भाई अगर 6 × 4 = 10 और 2 = 12 है, तो इसके पास अगर यदि हम 6 रखते हैं तो 12 और 6 = 18 होता है, जो कि 9 से कट सकता है।
तो एक्स का मान 6 निकल के आ सकता है और वाई का मान 3। अब हमसे पूछा क्या दोस्तों, 2x-3y, तो 2 × x यानी कि 6 माइनस 3 × y यानी कि 3। ठीक है, तो 6 × 9 ये आपका दोस्तों 3 निकल के आता है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा से समझा दिए ताकि आपको ये सवाल दोबारा कभी आए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपके सामने जो सवाल है, अगर हम ये कहें कि इस सवाल को बनाना ही नहीं है तो आपको हंसी आएगी, लेकिन एक्चुअली में ये सवाल में कुछ करना ही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। ए प्रतिदिन 640 रुपया कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 रुपया कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या है? अब देखिए, दो आदमी है ए और बी। अब हमको पूछा है कि बी और ए का प्रतिदिन का कमाई का अनुपात क्या है। भाई इसका 360 रुपया है और भाई पहला वाला आदमी का 640 है, तो इन दोनों का अनुपात पूछा गया, ये काट दिए। अगर हम इन दोनों को अगर काटना चाहेंगे तो 4 से काटेंगे 9 बार में और 4 से काटेंगे 16 बार में। देखिए ये आपका कहीं अनुपात दिया होगा, 9:16 यही इसका उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, आपके ऑप्शन में 16:9 भी है, तो आपको ध्यान देना कि लास्ट में पूछा गया बी और ए का अनुपात, ना कि ए और बी का अनुपात। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक सवाल है बहुत ही लंबा सा औसत का, लेकिन बहुत ही आसानी से बनेगा। ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, अगर 2 और व्यक्ति को जोड़ दिया जाए और औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। कहता है नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, नए व्यक्तियों में से सबसे छोटे की आयु क्या है? 15 व्यक्ति है दोस्तों, कितना 15, और इसका एवरेज क्या दिया दोस्तों, इसका एवरेज दिया है 32। तो अगर हम 15 को 32 से गुना करेंगे तो टोटल क्या निकल के आएगा हमको, आयु 15 × 2 = 30, हाथ में 3 हुआ, 15 × 3 = 45 और 3 = 48, 480 हो जाता है इसका कुल। ठीक है, 15 व्यक्ति का। अब कहता है कि 2 व्यक्ति और आ गया, तो भाई अब कितना हो गया, 17 हो गया, और इसका एवरेज कितना बढ़ता है, तो इसका एवरेज 3 बढ़ जाता है, यानी अब हो गया ये 35। तो 17 × 5 = 85, हाथ में कितना रहा, 8, 17 × 51 और 8 = 59। अब बताओ कि कितना का डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो भाई यहाँ से 2 जोड़ेंगे 500 हो जाएगा और 95 यानी 20 और 95 दोस्तों, 10 जोड़ेंगे 105 और फिर 10 जोड़ेंगे 115, 100 दोस्तों 15 हो गया इन दोनों का गैपिंग। ठीक है, वह चेक कर लेते हैं, 5 1 1, ठीक है। तो अब कहता है कि ये जो 2 व्यक्ति है, अब बताओ कि ये किन लोगों का आयु निकला, 115, वो 2 व्यक्ति जो बाद में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो आयु बोला है इसमें अंतर तो कितना है, अंतर है 9 साल का। अगर हम इससे 9 घटा दें, अगर हम 115 में 9 घटा दें तो क्या बचता है, 106 दोस्तों, 106 बचेगा। जब भी अंतर दिया रहे किसी भी दो चीज में और दोनों का मान निकालना है तो पहले अंतर को साइड कर दो, तो 56 बच गया ना, सॉरी 106 बच गया, तो ये हो गया 53 और दोस्तों ये हो गया 53। अब ये 9 किसी एक को दे दो तो वो बड़ा हो जाएगा, तो छोटा वाला का मान हो गया 53 और बड़ा वाला का मान दोस्तों हो गया 53 और 9 = 62 यानी 62। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन यहां दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 1/a² = 98। आपसे पूछा क्या गया है, ए क्यूब प्लस 1/a³। तो दोस्तों डायरेक्ट यहां से यहां नहीं आना है, हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है ए प्लस 1/a में। तो जब हम इसको यहां लेके आएंगे तो सिंपल सा एक काम करेंगे कि इस 98 में 2 जोड़ करके और इसका रूट निकाल देंगे, अंडर रूट क्या कर देंगे, जो मान दिया है उसमें 2 जोड़ देंगे, तो यह जगह अंडर रूट 100 यानी 10, यानी a प्लस 1/a का मान उसका हो गया 10 हो गया। अब आपको क्या सिखाए थे कि प्लस से प्लस में आना है और क्यूब में रहे तो उल्टा काम करेंगे यानी माइनस करेंगे, तो 10 का पहले क्यूब कर लेंगे, उल्टा माने माइनस करेंगे और 10 × 3, ध्यान देंगे 10 × 3 दोस्तों, 10 का क्यूब कितना आएगा, 1000 आ जाएगा,
और इसमें 10 दिया 30 माइनस करेंगे यानी 970 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, एक सवाल लेते हैं हम लोग अनुपात से। ये सवाल को एक बार में देख के लगता नहीं कि ये अनुपात का सवाल है, लेकिन दोस्तों ये सवाल रेशियो यानी अनुपात से ही है। क्वेश्चन कहता है ए और बी के वेतन का योग 4200 रुपया है, ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत यानी सेविंग्स समान है तो बी का वेतन क्या है। ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे क्वेश्चन को पहचाने कि ये अनुपात का है, जब दो व्यक्ति का शामिल करके कोई वैल्यू दिया गया हो और बाद में उनमें से किसी एक का पूछा जाए तो समझ जाना कि ये सवाल कहीं ना कहीं अनुपात का है। अब देखिए दो आदमी है ए और बी। अब कहता है कि ए जो खर्च करता है 75% और बी जो खर्च करता है 90%, तो उसका जो बचत है वो बराबर है। तो अगर ये 75% यानी 75% खर्च कर दिया तो भाई ये कितना बचा रहा होगा, 25%। और बी अगर 90% खर्च करता है तो बताओ कितना बचाता होगा, ओनली 10%। और ये मान दोनों का बराबर है यानी बचत दोनों का बराबर है। अब अगर हम परसेंटेज काटें तो काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे दो बार में। तो यहां क्या करना है, ए का मान इस पार में होगा और बी का मान इस पार में होगा। ठीक है, तो ए का मान हो गया 2 और बी का मान हो गया 5, यानी हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 2:5। अब आप बताओ कि ये जो मान निकल के आया कि ए का हिस्सा कितना दोस्तों 2 और बी का हिस्सा 5, यानी हम कह सकते हैं कुल 7 भाग का मान हमको दिया गया है 42,000। देखिए कुल योग दिया है 42,000, 7 से काटोगे कटेगा 6 बार में 6,000। किसका पूछा बताओ, आपको पूछा बी का, तो भाई बी का 5 भाग है, 1 भाग में 6,000, 5 भाग में 30,000, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी रेलवे का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो कि वृत्त से संबंधित लगभग हर साल ये क्वेश्चन आ जाता है। कहता है प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। देखिए सवाल क्या है, सवाल दोस्तों एक ये वृत्त है और ये एक वृत्त है, तो ये जो स्पर्श रेखा है दोनों के लिए इसकी लंबाई आपसे पूछा गया है, इसकी भी त्रिज्या दी गई है 2.5 और इसकी भी त्रिज्या दी गई है 2.5। अब इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होता है दोस्तों। देखिए यहां पर एक चीज और किया गया कि इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो भी दिया गया है 13। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता निकालने का कि जब भी हम इस टेंजेंट की लंबाई मान लेते हैं इसको एक्स, इस एक्स की लंबाई निकालने जाएंगे तो जो दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी दी गई है 13, उसमें माइनस कर देंगे दोनों आर को जोड़ के स्क्वायर, तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। दोस्तों ये आ जाएगा 169 - 25 = √144 बराबर 12। देखिए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बट्टा का ये सवाल जिसमें कि हम लोग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, आइए समझते कैसे। कहता एक वस्तु पर दी गई 15% की छूट दूसरी वस्तु पर दी गई 20% के छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं की कीमत का पता लगाइए यानी MRP का पता लगाइए। तो दो वस्तु है ए और बी, मान लेते हैं कि इसका MRP ए है और इसका MRP बी है। अब कहता है कि पहला पर 15% का छूट है, तो ठीक है भाई पहला पे 15% का छूट और दूसरा पर 20% का छूट, और ये दोनों छूट आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो पहला वस्तु और दूसरा वस्तु का छूट आपस में बराबर हमने कर दिया। अब ये 100 और 100 तो कट जाएगा, 5 से काटोगे 3 और 5 से काटोगे 4। ध्यान रखना कि जब कोई अक्षर यानी लेटर किसी अंक से गुना हो और बराबर में सेम कंडीशन उधर भी दिया गया हो तो ए का मान उस पार में होगा और बी का मान इस पार में होगा, यानी ए का मान 4 और बी का मान 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो MRP है वो 4:3 में होना चाहिए। तो जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है 80 और 60, अगर हम इन दोनों का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो 20 चौक 80 और 20 दिया 60, जो कि बिल्कुल मैच करता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई इसको एक्सप्लेन किया जाए, कंपटीशन में आवश्यकता उसकी नहीं है,
कि एक्स माना जाए और हर चीज को पूरा एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है दोस्तों, एसआई और सीआई के 2 वर्षों और 3 वर्षों के अंतर वाले सवाल आजकल ज्यादा पूछता है। क्वेश्चन कहता है 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक्स रुपया पर सीआई और एसआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 48 रुपया है, तो एक्स का मान क्या है, यानी यहां कहने मतलब है कि मूलधन क्या है। तो आपको मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया है इस टाइप का, तो मैंने वहां पे कहा था कि जब टाइम 2 वर्ष दिया जाए, ठीक है, और अंतर दिया गया हो, तो जो हमारा अंतर दिया गया होता है वह क्या है, आर का आर परसेंट है। और दोस्तों आर कितना है, 8, तो 8 का जब हम 8% निकालेंगे तो 64/100 जो कि निकल के आएगा 0.64, क्योंकि 2 जीरो है, 2 अंक का हम लोग पॉइंट मार दिया तो 0.64 हो गया ये इसका मान। अब इतना भाग का मान हमको दिया गया है 48 रुपीज, हमको निकालना क्या है, एक्स का मान, और वो एक्स क्या है, धन यानी मूलधन, जो कि 100 भाग होगा। ठीक है, तो एक भाग का मान निकालें दोस्तों, तो एक भाग का मान हो जाएगा 48/0.64, और जब हम 100 भाग का मान निकालेंगे तो इसमें केवल हम 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए ये ऊपर जाकर के 00 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम 16 से काट दें तो 16 से 4 बार में, ठीक है, और 16 से 3 बार में 48, यहाँ 00 है, और ये 4 से काटें तो कितना 25, तो 25 × 75 और 00 यानी 7,500 एक्स का मान होगा जो कि मूलधन है। ठीक है दोस्तों, समय दूरी चाल का ये सवाल जिसमें कि भिन्न का प्रयोग होता है, इस सवाल को बनाने के लिए बस 2 ही स्टेप चाहिए। आइए इसको समझते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कहता है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है, यानी उसका सही समय क्या है जब वो सामान्य चाल से चलती होगी। अब देखिए ये जो व्यक्ति है उसका 2 चाल दिया गया है, एक तो भाई सामान्य चाल, और यहां पर एक चर्चा हुआ है वर्तमान चाल। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे चाल। तो भाई कोई अगर 3/4 के चाल से चल रहा है, इसका मतलब कि पहले जो सामान्य चाल था उसका 4 था, और वर्तमान दोस्तों क्या है, 3। ठीक है, अगर 3/4 बोला है तो ऊपर का जो मान है वो वर्तमान है, और जो नीचे मान है वो क्या है, पहले का है, सामान्य चाल है उसका। और चाल का ठीक उल्टा होता है दोस्तों समय, ये ध्यान रखना कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय, क्योंकि चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। अब इसका उल्टा अगर हम कर देंगे, 3 यहां आ जाएगा और 4 यहां चला जाएगा, दोस्तों ये क्या बन गया, समय। अब देख रहे हैं कि पहले समय वो 3 ले रहा था और अब समय कितना ले रहा है, 4, तो इसलिए इसको जो है 18 मिनट की देरी हुई है, क्योंकि एक भाग समय ज्यादा लिया तो 18 मिनट की देरी हुई। ठीक है, तो कहता है कि सामान्य चाल से अगर चलता तो उसका सामान्य समय क्या होता, तो एक भाग का मान 18, तो भाई 3 भाग का मान 18 × 54, आसानी से आप इसको आंसर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रेन चैप्टर का ये सवाल जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये पैटर्न पूछा गया कई बार। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पे सारा खेल दोस्तों इस पर है कि 12 मिनट में 12 किलोमीटर। एक बात दोस्तों ध्यान रखना कि जितना मिनट दिया रहे और उतना ही किलोमीटर जाए, इसका मतलब कि गाड़ी का गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कैसे, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब होता है कि 60 किलोमीटर गया है एक घंटा में, और एक घंटा दोस्तों कितना मिनट, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो एक मिनट में एक किलोमीटर, तो 12 मिनट में 12 किलोमीटर, तो स्पीड कितना हो गया, 60। अब कहता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो भाई बताओ स्पीड कितना हो गया, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कह रहा है कि 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या समय लेगा, तो टाइम दोस्तों होता है दूरी बटा चाल। जब इसको काटोगे 11 से आ जाएगा दोस्तों 2/5, लेकिन
ये भी घंटा में है और ये किलोमीटर में है, तो आपका जो समय दोस्तों आया वो किस में आया, घंटा में आया है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 12 पंचे 60, 12 दुना 24 मिनट। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ट्रेन चैप्टर का ये सवाल जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये पैटर्न पूछा गया कई बार। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पे सारा खेल दोस्तों इस पर है कि 12 मिनट में 12 किलोमीटर। एक बात दोस्तों ध्यान रखना कि जितना मिनट दिया रहे और उतना ही किलोमीटर जाए, इसका मतलब कि गाड़ी का गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कैसे? देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब होता है कि 60 किलोमीटर गया है एक घंटा में, और एक घंटा दोस्तों कितना मिनट, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो एक मिनट में एक किलोमीटर, तो 12 मिनट में 12 किलोमीटर, तो स्पीड कितना हो गया 60। अब कहता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो भाई बताओ स्पीड कितना हो गया, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कह रहा है कि 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या समय लेगा, तो टाइम दोस्तों होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। जब इसको काटोगे 11 से आ जाएगा दोस्तों 2/5, लेकिन ये भी घंटा में है और ये किलोमीटर में है, तो आपका जो समय दोस्तों आया वो किस में आया, घंटा में आया है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 12 पंचे 60, 12 दुना 24 मिनट। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लाभ हानि का ये सवाल अगर आपसे बन जाता है तो समझिए कि आपका ये चैप्टर क्लियर है। अटेम्प्ट सभी क्यों करिए और कमेंट करिए किसका उत्तर क्या आने वाला है। जब किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है तो एक्स परसेंट लाभ प्राप्त होता है, जब उसी वस्तु को 750 रुपया में बेचा जाता है तो एक्स प्लस 5% का लाभ प्राप्त होता है, तो एक्स का मान क्या है। यानी बाद में देखिए कि प्रॉफिट 5% बढ़ गया है, 720 में बेचा था, बाद में 750 में बेचा है, तो पहले जो एक्स परसेंट प्रॉफिट था बाद में वो एक्स प्लस 5% हो गया। तो भाई यहां से यहां तक जो 5% लाभ में जो वृद्धि हुआ है, आप देख रहे हैं कि यहां पर 30 रुपया बढ़ा है, तो 5% का दाम 30%, तो भाई यहां से काटेंगे तो 1% का दाम दोस्तों कितना हो गया, 1% का दाम हो गया 6, तो 100% दोस्तों हो जाएगा 600। और 100% क्या है बात कर रहे हैं यहां पे हम लोग, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य दोस्तों सीपी का। अब 600 रुपया है और 720 में बेचा था तब ने यहां पर एक्स हुआ था, तो जब हम एक्स का मान निकालेंगे तो हमारे लिए विक्रय मूल्य इसको लेना पड़ेगा। सोचो 600 में खरीदा, 720 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हुआ 120 का। जब प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहेंगे दोस्तों नीचे होगा 600 और गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य की हमेशा लाभ या हानि परसेंट निकालने में नीचे रहेगा। यहां से ये कट जाएगा, 6 से काटेंगे 2 बार में, प्रॉफिट देखिए आपका सामने लिखा होगा 20%। ठीक है दोस्तों, आप सभी को अटेम्प्ट करिए और देखिए अगर आप बना पाते हैं तो आपका डिस्काउंट क्लियर है, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन समझना जरूरी होगा। कहता है एक पुस्तक के अंतिम मूल्य पर 30% की छूट मिलने से अरुण को 60 रुपये मूल्य का एक पेन मुफ्त मिलता है, पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया। अब यही समझना है कि भाई 30% अगर हमको डिस्काउंट मिलता है तो 60 रुपया का एक पेन फ्री मिलता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर कोई दुकानदार हमको 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो हमको वो एक 60 रुपया का कलम या कुछ भी वस्तु हमको फ्री दे रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 30% का मान 60 है। अगर हम यहां से काट देते हैं तो 1% का मान 2 हो जाता है, और किसी वस्तु का अगर हमको क्रय मूल्य पता चल जाए तभी हम उस पर ये पता कर पाएंगे कि हम उसको डिस्काउंट देने के बाद कितना पेमेंट किए हैं, तो 100% क्रय मूल्य होता है, तो 100% का मान हो जाएगा 200। ठीक है, अब अगर हमको कोई 30% डिस्काउंट दिया है दोस्त, तो हम लोग पेमेंट कितना किए होंगे, 70%, तो भाई 200 का
अगर हम 70% निकाल देंगे तो आप आसानी से कह सकते हो कि भाई 140 रुपया पेड किया गया है और ये स्थिति बन के आया है। ठीक है दोस्तों, एक अलजेब्रा का सवाल देखते हैं और इस सवाल में बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा समझिएगा टेक्निक को। देखिए आपको क्या किया गया है कि स्क्वायर में मान दिया गया है और क्यूब में पूछा गया है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे कि a प्लस वन बाय ए का मान दिया हुआ है और क्यूब पूछा गया है, लेकिन यहां दिया गया है ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर बराबर 98। आपसे पूछा क्या गया है ए क्यूब प्लस वन बाय ए क्यूब। तो दोस्तों डायरेक्ट यहां से यहां नहीं आना है, हमको क्या करना है इसको चेंज करना है a प्लस वन बाय ए में। तो जब हम इसको यहां लेके आएंगे तो सिंपल सा एक काम करेंगे कि इस 98 में दो जोड़ करके और इसका रूट निकाल देंगे, अंडर रूट क्या कर देंगे जो मान दिया है उसमें दो जोड़ देंगे, तो यह जगह अंडर रूट 100 यानी 10, यानी a प्लस वन बाय ए का मान उसका हो गया 10 हो गया। अब आपको क्या सिखाए थे कि प्लस से प्लस में आना है और क्यूब में रहे तो उल्टा काम करेंगे यानी माइनस करेंगे, तो 10 का पहले क्यूब कर लेंगे उल्टा माने माइनस करेंगे और 10 गुना 3, ध्यान देंगे 10 गुना 3 दोस्तों, 10 का क्यूब कितना आएगा 1000 आ जाएगा और इसमें 10 या 30 माइनस करेंगे यानी 970 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का ये सवाल आजकल ट्रेंडिंग में है, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। कहता है कि एक्स रुपया की एक राशि पर 8% वार्षिक दर से दो वर्ष के SI और CI का अंतर 19.20 रुपया है यानी 20 है, तो X का मान क्या होगा यानी मूलधन पूछा है आपसे। एक बात ध्यान रखिए, जब आपको टाइम दिया रहे दो वर्ष का और SI और CI का डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना 19.20 और रेट आपको दिया हुआ है कितना 8%, तो एक बात जान लेना कि जब भी दो वर्ष का अंतर में दिया रहे तो इस अंतर को हम मानेंगे आर का आर परसेंट। ये एक टेक्निक है, ट्रिक है, लेकिन इसको आप याद अगर रखोगे तो काफी हेल्प होगा एग्जाम में। तो आर कितना है 8, 8 का दोस्तों 8% कितना होगा आप सोच के देखो, 64 और 100 से भाग करना है तो 0.64 यानी 64, तो इसी का मान इतना भाग का दोस्तों मान कितना हो गया 1920। अब क्या करना है हमको निकालना है मूलधन, तो दोस्तों मूलधन होता है 100 हिस्सा, तो एक भाग का जब हम मान निकालेंगे तो 19.20 बटा 0.64 और जब 100 भाग निकाले तो इसको 100 से खाली गुना कर देंगे तो हमारा मान देखो यहां से दो यहां पे जीरो खत्म ऊपर गया और दो नीचे आया हो गया बराबर। अब इसको हम अगर 4 से काटेंगे तो 16, 4 से काटेंगे तो 25, 16 से काटेंगे पूरा पूरी कट जाएगा, देखो 16 एकम 16 कितना हो गया 3 2 और 16 दूना 32 120, तो 25 गुने 12 दोस्तों कितना हो गया 300 हो गया और 10 और देखिए ये आपके ऑप्शन में होगा 3000 और यही इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट चैप्टर का ये सवाल बहुत अधिक पूछता है और ये सवाल थोड़ा लंबा लिखा हुआ है तो आप इसके लेंथ को देखकर डरिएगा नहीं, आप भी इसको आसानी से मान लीजिए पर बढ़िया समझिए कॉन्सेप्ट को। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया है, एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है और इसके बाद भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, यदि उसे 470 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी वस्तु को दोबारा बेचना पड़े आपको तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, CP क्या है। तो क्रय मूल्य हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर हमको अंकित मूल्य पता हो और लाभ हानि पता हो और डिस्काउंट पता हो। कितना परसेंट का छूट दिया गया है 20% का, तो हम 100 में 20 माइनस करेंगे 80 लिखेंगे ऊपर, जो भी लाभ हानि हुआ हो नीचे, अगर लाभ है तो 100 प्लस तो 110 हो गया। यहां से काटेंगे 11 5 55 8 5 40 0 400 हो गया इसका क्या क्रय मूल्य। अब सोचो कि 470 में आप बेच रहे हो तो बताओ कि लाभ कितना दोस्तों हुआ 70, और जब लाभ का परसेंट निकालना हो तो भाई नीचे 400 कर दो और गुने 100 कर दो, क्योंकि परसेंट लाभ हानि जो भी निकालोगे नीचे क्रय मूल्य होगा। यहां से काटोगे जब 70 को आप 4 से भाग करोगे दोस्तों ये होगा आपका 17 चौक 68
चार 68 हो गया, 4 × 5 = 20, यानी 17.5 इसका हो जाएगा परसेंट आंसर। ठीक है दोस्तों, औसत का ये सवाल आजकल के जो पैटर्न है उसमें खूब पूछता है, आइए सब लोग सॉल्व करते हैं। कहता है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 रहा, यदि दो विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज हो गए हैं तो सही औसत क्या होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सही जो हमारा मान होना चाहिए था वो 83 और 24 होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने लिया क्या है 38 और 42। तो अब बताओ कि अगर पहले हम देखें कि ये कुल कितना मान है और ये कुल कितना मान है, ठीक है, तब हम आगे बढ़ने में हमको आसानी होगी। तो 8 × 2 = 10, 7 × 3 = 4, 3 = 7 और 1 = 8, ये 80 हो गया दोस्तों, ये हो गया 4 × 3 = 7 और 8 × 2 = 10, यानी 107 हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हम लोग मान लेके बैठे हुए हैं 80 और वास्तविक में हमको लेना कितना चाहिए था कुल 107। तो अब बताओ कि हमारा जो औसत है 64 वो सही है या गलत है। बिल्कुल गलत है, और गलत कैसे है, वो कम है, क्योंकि हमको लेना था 107, हमने लिया है 80, तो भाई एवरेज भी तो कम निकला होगा, तो कितना कमी हुआ देखो तो भाई 27 कमी हुआ। और ये 27 जो है, ये 27 जो कम हम लिए हैं, ये 50 विद्यार्थियों का हम लोग हक मार दिए हैं, क्योंकि टोटल में जो भी आप गड़बड़ी करोगे वो सब पर प्रभाव डालेगा, तो इसको हम 50 में बांट देते हैं। ठीक है तो दोस्तों 50 से जब भी किसी संख्या को भाग करना हो उसका एक बहुत ही आसान सा ट्रिक होता है कि नीचे भी 2 से गुना कर दो और ऊपर से भी 2 से गुना कर दो। ठीक है, आसान तरीका होता है, 27 × 2 = 54 और नीचे 50 × 2 = 100। अब 54 को 100 से भाग करना बेहद आसान है, 2 0 है, 2 अंक के बाद पॉइंट मार देंगे। इसका मतलब कि हमारा जो एवरेज 64 है उसमें 0.54 की कमी है, तो क्यों ना इसको 0.54 बढ़ा दिया जाए, यही हमारा सही औसत होगा। ठीक है दोस्तों, एक सवाल लेते हैं हम नंबर सिस्टम से, और ये सवाल आजकल के एग्जाम में खूब पूछता है, 88 से 99 से 55 से काटने संख्या, 72 से, तो आइए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये संख्या 88 से डिविजिबल है, 88 से पूर्णतः कट रही है, तो 88 से कटने का मतलब हुआ कि वो 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। तो सबसे पहले आपका अटेम्प्ट होना चाहिए 11 पे, और 11 में कोशिश करिए कि जो x वाला भाग है उसको पहले आप सॉल्व करिए। तो x से जाएंगे पर 9, फिर जाएंगे 4, ऐसा इसलिए क्योंकि 11 का नियम कहता है कि अल्टरनेट अंकों लेना है। तो 9 × 4 = 13 × x, तो 13 × x हो गया इधर, बाकी बचा जोड़ दीजिए 6 × 2 = 8, 8 और 0 तो 8। अब बताओ कि इन दोनों का अंतर हमको 0 या तो लाना है 11, ठीक है। अब बताओ कि अगर ये x नहीं भी होता तो 13 में 8 जाने पर कभी भी 0 तो नहीं आता, कभी नहीं आता, तो संभावना है कि हमको 11 लेके आना है। तो 8 चले जाने पर 11 तभी आएगा जब यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 में 8 जाएगा तभी 11 आएगा, और ये 19 करने के लिए इस x के पास 6 होना चाहिए। देखिए आपका ऑप्शन 6 है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए दोस्तों 6 दिया गया है। ठीक है।